नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश धर्म यात्रा में और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे उन प्रसिद्ध मंदिरों के जहां पर साल के 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है और रौनकें ऐसी कि आप भी भक्ति में सराबोर हो जाओगे और कहेंगे कि ये धर्म यात्रा खास है। धर्म यात्रा में आप ये भी जानेंगे कि कैसे आप इन शक्तिपीठों तक या इन प्रसिद्ध मंदिरों तक पहुंच सकते हैं। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो आइए धर्म यात्रा में आपको सबसे पहले लिए चलते हैं हमीरपुर और दर्शन करवाते हैं उस प्रसिद्ध मंदिर के जहां पर माँ ज्वाला के भक्त ध्यानु भक्त की समाधि के दर्शन हम आपको कराएंगे। जी हाँ, ज्वाला माँ की कथाओं और कीर्तनों में ध्यानु भक्त का नाम हमेशा ही बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि ध्यानु भक्त ने माँ ज्वाला के चरणों में अपना सिर काटकर भेंट कर दिया था। लेकिन उसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो काफी दिलचस्प है। ये ध्यानु भक्त आखिरकार कौन था और कहाँ का रहने वाला था, इसने अपना अंतिम वक्त कहां पर गुजारा और ध्यानु भक्त ने मां के चरणों में सिर काटकर भेंट क्यों किया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज्वाला मां की कथाएं और ज्वाला मां के कीर्तन। जब भी हम सुनते हैं तो इन कथाओं में ध्यानु भक्त का जिक्र जरूर मिलता है। ये वही ध्यानु भक्त है जिसने माँ ज्वाला के चरणों में अपना सिर काटकर भेंट चढ़ा दिया था और माँ ज्वाला माता के चरणों में अपना सिर काटकर भेंट करने वाले भक्त ध्यानु का जब भी जिक्र आता है तो मुगल सम्राट अकबर का शासन भी याद आ जाता है क्योंकि अपने शासन काल के दौरान सम्राट अकबर ने ध्यानु भक्त की भक्ति की परीक्षा ली थी और परीक्षा लेते हुए ज्वाला माँ का अपमान किया था। लेकिन फिर ज्वाला माँ ने अकबर का अहंकार तोड़ा और उसी वक्त ध्यानु भक्त ने भी माँ की भक्ति के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अब आपको बताते हैं ये ध्यानु भक्त का नाता कौन सी जगह से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ध्यानु भक्त का नाता हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के नादौन कस्बे से जुड़ा हुआ है। मां के प्रसिद्ध ज्वालामुखी धाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर हमीरपुर जिले के नादौन कस्बे में ब्यास नदी के किनारे ध्यानु भक्त ने अपना अंतिम वक्त गुजारा था और करीबन 20 साल तक भक्ति यहां पर की थी। जिस जगह पर भक्त ध्यानु ने समय गुजारा उसी जगह पर ध्यानु भक्त की समाधि भी सैकड़ों साल पहले बनाई गई है। मान्यता है कि नादौन में भक्त ध्यानु ने अपने अंतिम वक्त में संतों के साथ नादौन में जीवन यापन किया था और नादौन में ही रहकर माता तारा रानी की कथा की रचना भी की थी जिसका गुणगान आज भी माता की जागरण के दौरान किया जाता है और माता तारा रानी की कथा के बिना कोई भी जागरण संपन्न नहीं माना जाता। ध्यानु भक्त ट्रस्ट के चेयरमैन रमेश चंद गोस्वामी ने बताया कि ध्यानु भक्त की समाधि स्थल की दशा को सुधारने के लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही है और आगामी दिनों में स्थान को भव्य बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। माँ की कृपा से ध्यानु भक्त जी है, ये टपरा गांव के रहने वाले थे जो आगरा के पास है। 1588 में इनका जन्म हुआ, 450 साल के करीब हो गए आज। तो बहुत बड़े भक्त हुए माँ भगवती के, ये इनके साथ बहुत आदमी जुड़े हुए थे और वहाँ से ये पैदल माता के दरबार में मंजूश्री माता मंदिर, माँ ज्वाला के मंदिर हमेशा आते थे, साल में एक बार के साथ बहुत बड़ी मंडली होती थी। समाज सेवी शांतनु कुमार ने भी बताया कि वो माता रानी के भक्त हैं और अक्सर ध्यानु भक्त की समाधि स्थल पर आते रहते हैं और माथा भी टेकते हैं। माता की मैं भक्त हूँ और कोई टाइम से कोई सालों से मैं यहाँ आता हूँ यहाँ दर्शन के लिए। मंदिर जो है इसके बारे में तो ध्यानु भक्त जी के बारे में कौन नहीं जानता है, जिन्होंने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए या माँ भगवती के प्रति लोगों की आस्था जगाने के लिए अपना सिर काट के रख दिया था। उस ध्यानु भक्त जी की जो समाधि है नादौन में ब्यास नदी के किनारे पर है और ऐसा भक्त न पहले हुआ न होगा कभी।
मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बादशाह के सिपाहियों ने माता के दर्शन के लिए 1000 यात्रियों के दल को दिल्ली के चांदनी चौक पर रोक लिया। दल में ध्यानु भक्त भी शामिल था। बादशाह के पूछने पर ध्यानु भक्त ने बताया कि वो ज्वाला माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने माँ की शक्ति पर शंका जाहिर की और कहा कि मैं तुम्हारे घोड़े का सिर अलग कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ में शक्ति है तो जोड़ कर दिखाएं। बस पर उसके बाद ध्यानु भक्त माँ की तलाश में निकल गया, लेकिन माँ के प्रसन्न न होने पर ध्यानु भक्त ने अपना सिर भी काट कर माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। इसके बाद माँ ने दर्शन दिए और घोड़े का सिर और ध्यानु भक्त दोनों का सिर अपने आप जुड़ गया। इसके बाद हैरान होकर अकबर ने ज्वाला माँ की ज्योति को बुझाने के लिए मोटे मोटे तवे रखवा दिए, लेकिन फिर भी ज्योति जलती रही। बाद में माँ की शक्ति को जानने के बाद माता से अकबर ने माफी मांगी। अकबर का भेंट किया गया खंडित छत्र आज भी माता ज्वाला के दरबार में मौजूद है। यहाँ पर इस पवित्र जगह पर माथा टेकने के लिए पहुँचे श्रद्धालु ने भी बताया, ध्यानु भक्त के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता और ऐसा भक्त न कभी था न कभी होगा। ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक पुरुष का मंदिर है और ना तो ध्यानु जैसा भक्त हुआ ना होगा ना कोई है। कन्याओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्होंने कन्या पूजन का जो आरंभ था कि 9 कन्याओं की पूजा करने से माँ भगवती प्रसन्न होगी, तो इसका प्रारंभ भी जो था ध्यानु जी ने ही किया था कि अगर आप 9 कन्याओं का पूजन करेंगे तो माँ भगवती आपको प्रसन्न होगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस एक कन्याओं की रक्षा के लिए कन्याओं के पूजन को आगे बढ़ाने का भी श्रेय हम ध्यानु भगत जी को देना चाहते हैं। तो देखा आपने लोगों में इस पवित्र जगह को लेकर कितनी आस्था है और जिसने भी कहा है सही कहा कि ध्यानु जैसा भक्त होना मुश्किल है। अगर आप भी इस जगह के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो और इस जगह के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो इस जगह पर जरूर जाइएगा। धर्म यात्रा के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट। ज्वाला माँ का भक्त ना जानो जैसा कोई। और अब आपको लिए चलते हैं रेवाड़ी शहर में, जहां पर बसे घंटेश्वर महादेव मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर साल के 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है और इस जगह को घंटेश्वर महादेव मंदिर क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। और कहानी के अलावा भी इस मंदिर की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। इस मंदिर के बारे में हमने कई रहस्यमय बातें जानी जब हमने मंदिर में प्रवेश किया और इस मंदिर का निर्माण भी कई दशक पहले करवाया गया था। कैसे हुआ मंदिर का निर्माण और क्या है मंदिर के नाम के पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं।
रेवाड़ी में एक दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन 400 साल पुराने इस सिद्ध मंदिर की अपनी ही मान्यताएं हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जानकार बताते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मंदिर के पास बावड़ी, कुआं और शमशान घाट हुआ करते थे। उस समय ये मंदिर काफी छोटा और निचाई पर था। फिर शहर के लोगों ने सन 1967 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू कराया। इस मंदिर के निर्माण के लिए किसी से चंदा नहीं मांगा गया, अपनी इच्छा से ही लोगों ने दान दिया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने इसके निर्माण में अपना श्रमदान भी किया। ये मंदिर न केवल रेवाड़ी के लिए बल्कि दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ मकर संक्रांति पर भंडारा लगाया जाता है, महाशिवरात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर झूमर, लाइटों आदि से भव्य रूप से सजावट की जाती है, सुंदर सुंदर झांकियाँ निकाली जाती हैं, मेले का आयोजन किया जाता है, शारदीय नवरात्रों पर रामलीला भी होती है। मंदिर में सुबह शाम गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है। शिव मंदिर होने के चलते हर सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, शाम को होती है आरती। व्यापारी वर्ग सुबह काम पर जाते और शाम को आते वक्त मंदिर में माथा टेकते हैं। आइए सुनते हैं इस मंदिर में मौजूद पुजारी ने मंदिर के विषय में क्या कुछ कहा। और महाशिवरात्रि, एक शिवरात्रि, दो शिवरात्रि मनाई जाती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी बाहर से जो बाहर से झांकी झांकी मनाई जाती है और यहाँ शाम सुबह दोनों दिन रोटी खाई जाती है मंगतों को, मंगत मंग बिहारी को। और यहाँ ठंडा पानी की, गर्मी में ठंडा पानी चावल लगती है और श्रद्धालु बहुत दूर दूर जाते हैं, जो मना कामना पूरी हो जाती है वो घंटा चढ़ाते हैं। तो आपने सुनी पुजारी जी की बातें, लेकिन इस मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे भक्तों ने मंदिर के मान्यताओं के बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मंदिर में खूब दर्शन होता है, खूब लोग अच्छे मानते हैं, खूब बाबा लोग आते हैं बैठते हैं और अच्छा मंदिर है, सबकी मनोकामना पूरी होती है, इसी विश्वास से दुनिया आती है और काफ़ी टाइम से ये प्रसिद्ध है। भंडारा तो शाम को होता है 4 बजे, खाना बढ़ते हैं इनके बाबा जी लोगों के लिए और काफ़ी लोग आते हैं खाना खाने के लिए। मंदिर का अच्छा प्रोग्राम होता है, कोई किसी का किसी शिकायत नहीं है, किसी को कोई किसी को उलझन नहीं है, सब अच्छा है। मंदिर के इतिहास के बारे में जानने वाले सत्येंद्र प्रसाद ने मंदिर के बारे में क्या कुछ खास बताया, आइए जानते हैं। मंदिर के प्राचीनतम इतिहास का तो नहीं पता कि कितने साल पुराना है, लेकिन हो सकता है 400-500 साल पुराना है। ये मंदिर बहुत छोटा था, देखा था हमने, जो ये पुरानी सब्जी मंडी है यहाँ, इसमें बावड़ी थी, क्योंकि जब ये पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग बनी है लोगों ने उसमें सीढ़ियाँ देखी थी, जब खुदाई हुई थी निर्माण हुआ तो वो बावड़ी को कंफर्म करते हैं कि यह बावड़ी थी। तो ऐसा लगता है कि शिवजी का मंदिर और बावड़ी हो तो कभी किसी टाइम में 500-700 साल पहले यह शमशान भूमि रही है। मंदिर की निर्माण के समय एक बात विशेष रही कि इसका चंदा कभी नहीं किया गया, बाजार से किसी रूप में चंदे में लोग गए हों, जितने भी, एक बात तय हुई थी कि जितने भी जो कुछ पैसा दे दो निर्माण के निमित्त वो लोग अपने आप मंदिर का मंदिर में ही देकर जाएंगे, और लोगों ने ऐसा ही किया। जन्माष्टमी के अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर भव्य लाइट होती है, देखने लायक लाइट होती है
और मंदिर को चार चांद लगा देती है, मंदिर की सुंदरता को और भव्यता को। मंदिर में रोज शाम को गरीब लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था है, रोज शाम को यहाँ खाना बनता है, बटता है। और हालात ये हैं कि 365 दिन के लिए लाइन लगी रहती है लोगों की बुक कराने की, कि आज ये भंडारा मेरी तरफ से हो, आज मेरी तरफ से हो। लोगों को कई कई दिन इंतज़ार करने के बाद भंडारा करने की अपनी इच्छा लोग पूरी कर पाते हैं। कुल मिलाकर लोगों की मंदिर के प्रति भारी आस्था है और सच्चे मन से मंदिर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी इस मंदिर के बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं तो आप भी इस मंदिर में जरूर जाइएगा। अब रुख करते हैं पलवल के दाऊजी मंदिर का, जिसका इतिहास भी काफी ज्यादा रोचक है। और इस मंदिर में कृष्ण भगवान और उनके भाई दाऊजी रुके थे। इस मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि पलवल के राक्षस पलंबत्सुर का दाऊजी ने वध किया था, जिसके बाद दाऊजी इस जगह पर रुकने के लिए आए और बाद में यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दूर दराज से लोग यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। लेकिन मंदिर की लोकेशन कैसी है और मंदिर का इतिहास क्या कुछ कहता है, जानते हैं रिपोर्ट के जरिए। पलवल का दाऊजी मंदिर दिल को प्रसन्न कर देने वाला मंदिर और उत्सुकता को बढ़ाने वाला मंदिर, क्योंकि इस मंदिर के बारे में जानने के बाद आपकी उत्सुकता बढ़ती ही जाएगी। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में कृष्ण भगवान और उनके भाई दाऊजी रुका करते थे, और जब उन्होंने राक्षस का वध किया था तो उसके बाद भी वो यहाँ पर आकर रुके थे। मंदिर के बारे में प्रचलित कहानी ये है कि पलवल पर जब राक्षस पलंबत्सुर का राज हुआ करता था, उसका नाश करने के लिए कृष्ण भगवान और दाऊजी आगे आए और उसका वध कर दिया था, जिसके बाद यहाँ का नाम पलवल पड़ा। विद्वान तो ये भी बताते हैं कि जहाँ जहाँ राक्षस का शरीर गिरा वहाँ पर धरती ऊंची नीची हो गई, और यही वजह है कि पलवल में कई जगह ऊंचाई पर है तो कई जगह काफी नीची है। और मंदिर की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये मंदिर पलवल के कमेटी चौक पर स्थित है। पुजारी बताते हैं कि ये मंदिर पलवल का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। पलंबत्सुर राक्षस का वध करने के बाद यहाँ पर आकर दाऊजी भगवान रुके थे, और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि दाऊजी मंदिर में जो कोई भी श्रद्धालु सच्चे मन से मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस मंदिर के बाद से पलवल में हर साल बलदेव महाराज के नाम से एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है,
और मंदिर में उस दिन एक खास संगीत कीर्तन भी करवाया जाता है। संगीत कीर्तन में आसपास के सभी लोग पहुंचते हैं और पूरी धूमधाम के साथ इस मेले को और ज्यादा खास बनाया जाता है। आइए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुजारी जी ने तो फिर एक दिन और एक रात हो गए ये प्रतिमा से हिली नहीं, फिर बुजुर्गों ने कुछ विद्वानों ने इस प्रतिमा को यहीं पर स्थापित कर दिया। फिर पहले पलवल नगर का नाम पलम्बरपुर था, जो कि कंस का सेनापति था। कंस का सेनापति इनको वध करने के लिए गोकुल से चुरा लाया था कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान को बचाने के लिए आए और पलम्बरसुर का वध किया, इसलिए इस पलवल का नाम पहले पलम्बरपुर था, अब पलवल कहा जाता है। यह प्रथम बहुत ही पुरानी है और प्रतिवर्ष इनके उपलक्ष्य में 36 बरादरी का मेला लगता है और सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। अब लोगों की मंदिर में बहुत श्रद्धा है। मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी मंदिर के बारे में कई खास बातें बताई और हमारी उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया। श्रद्धालुओं का कहना था कि इस मंदिर में आकर उन्होंने आज तक जो भी मन्नत मांगी वो मन्नत जरूर पूरी हुई है और मन्नत पूरी होने के बाद भी वो दोबारा यहाँ पर जरूर आते हैं। हमारा यहाँ मंदिर है ये बहुत प्राचीन है और इसकी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है और इसका इतिहास ये है कि हमारे यहाँ औरंगजेब 1600 ईस्वी में आया था तो उसने यहाँ हमारी ऐतिहासिक मूर्ति तोड़ने के लिए प्रयत्न करा था, पर दाऊजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि यहाँ हमारे पलवल में कोई इतनी बड़ी कोई आपदा नहीं आई। लंबासुर नामक राक्षस था, उसने हमारे पलवल को उल्टा पलटने की कोशिश करी पर दाऊजी महाराज ने उसको वध कर दिया, इसलिए इसका दाऊजी महाराज का इतिहास है। तो आते आते यहाँ पे 5-6 साल हो गए। मान्यता ये है कि दाऊ जी का यहाँ पे प्राचीन मंदिर है और बताते हैं कि पलवल का नाम बलदेव जी के नाम पे ही पड़ा था क्योंकि इन्होंने पलवासुर नाम से कोई राक्षस था उसको उसको मारा था तो उनके नाम से ही इनका नाम पड़ा है। पलवासुर था वो तो उन्होंने मारा था तो इसने पलवल पड़ा। और मान्यता ये है कि यहाँ पे आसपास से लोग आते हैं जो कि और इनके नाम पर ही पलवल में बलदेव छठ का मेला आयोजित होता है जो आसपास के एरिया में बहुत प्रसिद्ध है। तो दाऊ जी यहाँ पर अक्सर गुजरा करते थे और इस मंदिर का निर्माण भी भगवान दाऊ जी ने ही किया था। इसके अलावा भी इस मंदिर के बारे में बहुत सारी खास बातें जानने को मिली। अगर आप भी मंदिर के बारे में और खास बातें जानना चाहते हैं तो आप भी इस मंदिर का रुख जरूर कीजिएगा। पलवल से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट, खबरें अभी तक के लिए। तो देखा आपने इन प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास कितना रोचक है। धर्म यात्रा में आज आपने जाना 3 से 4 अलग अलग खास मंदिरों के बारे में। फिलहाल आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम धर्म यात्रा में इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और मंदिरों की कहानी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।